बिहार में लगातार कृषि से संबंधित बड़े पैमाने पर काम राज्य सरकार ने किया है। बिहार में कृषि का जो विकास दर है वो 12% है। कोई भी किसान बिहार में आत्महत्याएं नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। किसान आंदोलन को लेकर देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। किसानों ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी है। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन जो गर्माहट है वो बिहार में अब महसूस की जाने लगी है। बिहार में विपक्ष आंदोलन के मूड में है, आंदोलन होता भी रहा है। कल जन अधिकार पार्टी ने आंदोलन किया, उससे पहले RJD सड़क पर उतरी थी और तेजस्वी यादव ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये संकेत मिल रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर RJD आक्रामक रहने वाली है। हम समझने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे JDU के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से। सबसे पहले तो उस पर प्रतिक्रिया लेंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर आक्रामक हैं और उसको लेकर RJD रणनीति बना रही है। तेजस्वी यादव किसान आंदोलन को लेकर बिल्कुल अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं और किसान आंदोलन की जो गूंज है या किसान आंदोलन को लेकर जो गर्माहट है बिहार में भी महसूस की जा रही है। देखिए, बिहार सरकार ने 2006 में ही APMC एक्ट को बिहार में लागू किया और बिहार में कोई भी किसान अपने उत्पादित सामान को कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है। उसके पहले बिहार में बाजार उत्पादन समितियों के माध्यम से किसान अपने सामान की बेचा करते थे। बिहार में लगातार कृषि से संबंधित बड़े पैमाने पर काम राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार बिहार में अभी तीसरा कृषि रोड मैप चला रही है। इसके पहले 2 कृषि रोड मैप संपन्न हो चुके हैं और बिहार सरकार के कृषि रोड मैप के कारण राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार ने जीता है। बिहार में कृषि का जो विकास दर है वो 12% है। मैं समझता हूं कि बिहार में किसानों से संबंधित हर वो काम किए गए हैं जो किया जाना चाहिए। एक, अभी राज्य सरकार ने 7 निश्चय Part 2 के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उस दिशा में बहुत तेजी से राज्य सरकार आगे बढ़ी है और मैं समझता हूं कि 1.5 साल के अंदर सभी किसानों को उनके खेत में बिजली पहुंचा दी जाएगी और सुगम तरीके से हमारे किसान कृषि करने में सफल होंगे और जो उनका लागत मूल्य होता था उसमें वो कमी आएगी। क्या आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, आप हमको गलत हो तो बता दीजिएगा, कि बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, बिहार में किसानों को कोई परेशानी नहीं है उस काम से और बिहार के किसानों के हित में रखकर जो सरकार ने काम किया है उससे किसानों के मन में संतोष है? तो सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार ने जो काम किया है उसको रोल मॉडल मान लेना चाहिए केंद्र सरकार को, तब ये आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा? देखिए, बिहार सरकार ने जो काम किया है उसका असर राज्य में दिखाई पड़ता है। कोई भी किसान बिहार में आत्महत्याएं नहीं करता है। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। आप बताइए कि पिछले 15 वर्षों में कोई भी किसान बिहार में आत्महत्या किया है क्या? कोई भी किसान बिहार में आत्महत्याएं नहीं करता है। बिहार सरकार ने जो किया है, बिहार सरकार 2006 में APMC एक्ट को लागू कर चुका है। वही सवाल है, बिहार भारत सरकार, अब सुनिए ना, वही जो आपके प्रश्न पर, अब भारत सरकार अब जाकर के देश में APMC एक्ट को लागू कर रही है। यह काम तो बहुत पहले किया जाना चाहिए था। बिहार सरकार ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में वही सोल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं ना? भारत सरकार ने लागू किया है बिहार के तर्ज पर। तो किसान तो विरोध कर रहे हैं कई चीजों का जो उस बिल में है। देखिए, भारत सरकार किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की उपज को सही मूल्य दिलाने के लिए देश भर में APMC कानून को लागू किया। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर JDU का जो स्टैंड रिसर्च में समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने समझा है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। JDU के बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान आ चुका है कि
जल्दबाजी की गई इस विधेयक को लाने में, और बात की जानी चाहिए थी। हालांकि केंद्र सरकार लचीला रूप दिखा रही है, बात कर रही है किसानों से, दोनों तरफ से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से यह बयान है कि जल्दबाजी दिखाई गई है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा है कि बिहार में 2006 से ही यह कानून लागू है और अभी बिहार सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का व्यवस्था किया है और सरकार कल ही कैबिनेट में उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। तो किस प्रकार से हम लोग किसानों के लिए, किसानों को लाभ दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यह जीता जागता उदाहरण। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने कहा है कि किसान जो हैं वो थलुए हैं, कुछ लोग हैं उनको खाना पीना मिल रहा है इसीलिए वो बैठे हुए हैं, सहमत है इस बयान से? क्योंकि उनका निजी बयान हो सकता है, मैंने उनके बयान को देखा नहीं है, लेकिन किसान के बारे में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, किसान किसान। तो हमारे साथ अरविंद निषाद जी थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और बहुत सधे अंदाज में, बहुत अस्पष्ट अंदाज में अपनी बात रखते हैं, साफगोई ही पहचान है, साफगोई से अपनी बात रखते हैं। और इस इंटरव्यू में इतना ही, किसानों को लेकर जो सवाल थे उसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो सवाल हमारे दर्शकों के जेहन में हैं उन सवालों के जवाब तलाशे जाएं, वहां से तलाश कर निकाले जाएं जहां वो जवाब छुपे हुए हैं। तो सत्ता की चौखट पर, राजनीतिक दलों की चौखट पर लगातार हम दस्तक दे रहे हैं उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।